हंस से नल की प्रशंसा सुनकर दमयंती की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। उसे दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। स्वर्ण कांति जैसा उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वह न अच्छे कपड़े पहनती और न गहने। जब देखो तब हथेली पर सिर रखे अपने आप में डूबी कुछ सोचती ही रहती। सहेलियों से भी बात न करती और लंबी सांसें लेती रहती। उसकी पलकें हमेशा भीगी रहती। दमयंती की ऐसी दशा देखकर सहेलियों ने उसके मन की बात जाननी चाही, पर वह तो कुछ बोलती ही नहीं। दासियां स्नान, श्रृंगार, भोजन, शयन के लिए कह कहकर थक जाती, पर दमयंती को किसी बात के लिए भी राजी न कर पाती। राजा भीम को पुत्री के अस्वस्थ होने की बात मालूम हुई तो उसने राजवैद्य को बुला लिया, पर वैद्य बेचारा क्या करता, औषध से ठीक होने वाला कोई रोग उसे था ही नहीं। अंत में राजा ने निश्चय किया कि दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसके स्वयंवर की तैयारी करनी चाहिए। राजा भीम ने स्वयंवर के लिए दिन निश्चित करके सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवा दिया। स्वयंवर का दिन पास आया तो विदर्भ में अनेक राजाओं का आना प्रारंभ हो गया। कोई सजे हाथी पर बैठकर चला आ रहा है तो कोई बढ़िया घोड़ों वाले रथ पर। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और भवन सजने लगे। स्वयंवर के लिए विशाल मंडप रचा गया। आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सजे हुए एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमार और राजा राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे। राजा भीम ने स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आने वालों का खूब आदर सत्कार किया। जिन दिनों विदर्भ में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, देवर्षि नारद और पर्वत मृत्युलोक से स्वर्गलोक पधारे। वे जब देवराज इंद्र के यहाँ पधारे तो देवराज ने उनका स्वागत सत्कार करने के बाद संसार का समाचार पूछा। महर्षि नारद ने बताया कि मृत्युलोक में आजकल विदर्भ राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने बताया कि राजकुमारी दमयंती अपने रूप यौवन और शील में बेजोड़ हैं, इसलिए सभी राजा और राजकुमार उसे पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ में एकत्र हुए हैं। ये बातें हो ही रही थी कि अग्नि, वरुण और यमराज देवराज इंद्र के यहां पधारे। नारद जी के मुंह से दमयंती की प्रशंसा सुनकर ये देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। बस फिर क्या था। महर्षि नारद और पर्वत के चले जाने के बाद ये चारों देवता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए धरती पर उतर आए और विदर्भ जा पहुंचे। यहीं पर इन्हें राजा नल स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते मिल गए। नल के सुंदर रूप और स्वस्थ बलिष्ठ शरीर को देखकर देवता चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि नल के सामने हम क्या चीज हैं? दमयंती हम में से किसी को न वरकर नल को ही वरेगी। वे देवता फिर कुछ सोचकर नल से बोले, राजा नल, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको अपना दूत बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं। बताइए, आप हमारा यह काम करेंगे ना? सहायता चाहने वाले उन देवताओं को आश्वासन देकर राजा नल ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कहां भेजना चाहते हैं? आपका वह कौन सा कार्य है जिसे आप मुझे दूत बनाकर पूरा करना चाहते हैं? निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप हमें देवता समझें। हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। मैं इंद्र हूं, ये अग्निदेव हैं, ये वरुण हैं
और ये यमराज। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आने की सूचना दे दीजिए और कहिए कि हम उसे देखने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि स्वयंवर में वह हम चारों में से किसी का वरण करे। देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा नल ने कहा, देवगण, मैं स्वयं भी तो दमयंती को पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। मैं भी तो स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रहा हूं, इसलिए जिस दमयंती को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे ही दूत बनाकर न भेजिए। आप ही सोचिए, मैं जिस दमयंती को प्राप्त करने का मन में निश्चय बना चुका हूं उसे दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। देवता बोले, राजन, आप हमारा कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं, क्या आप अपनी बात को झूठा करेंगे? इसलिए हमारा दूत बनकर जाइए और दमयंती तक हमारा संदेश पहुंचाइए। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने कहा, विदर्भ राज के सभी राजभवनों पर पहरा होगा, विशेष रूप से अंतःपुर में तो किसी अपरिचित पुरुष का प्रवेश संभव ही नहीं है। फिर आप ही बताइए कि मैं दमयंती तक कैसे पहुंच सकता हूं। तब इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां जा सकेंगे, हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं, हमारी शक्ति के प्रभाव से दमयंती के भवन में प्रवेश करते समय आपको कोई देख नहीं सकेगा। हां, आप सबको देख सकेंगे, दमयंती भी आपको देख सकेगी। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और हमारा संदेश दमयंती को सुनाइए। राजा नल देवताओं का दूत बनकर विदर्भ राजकुमारी के पास गया। राजा नल ने अंतःपुर में सखियों से घिरी हुई अत्यंत सुंदरी राजकुमारी दमयंती को देखा। राजा नल ने उस दिव्य हंस से दमयंती के बारे में जो कुछ सुना था वह उसे उससे भी अधिक रूप गुणों के खान दिखाई दी। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, उसकी कांति कमल जैसी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और पतली कमर, देखकर चंद्रमा भी लजा जाए ऐसी उसके मुख की शोभा थी। मंद मंद मुस्कुराती वह सखियों से हास परिहास कर रही थी। उस रूप लावण्य की मूर्ति को देखते ही नल का शरीर रोमांचित हो उठा। अपनी प्रिया के प्रथम दर्शन के समय नल के मन में उसे पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। पर इस समय तो नल देवताओं का दूत बनकर ही यहां आया था, अपने काम के लिए नहीं। नल को अपना कर्तव्य याद हो आया और उसने अपने मन के समस्त भावों को दबा दिया। एक अत्यंत रूपवान पुरुष को वहां आया देखकर दमयंती की सखियां और दासियां चकित रह गईं और स्वागत में उठ खड़ी हुई। वे मन ही मन उस अत्यंत सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने लगी। वे सोचने लगी, बिना रोक टोक अंतःपुर में पधारने वाला यह पुरुष अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि मनुष्यों में वैसा रूप गुण तेज अभी तक उनमें से किसी ने नहीं देखा था। फिर अंतःपुर में कोई अपरिचित पुरुष प्रवेश भी तो नहीं पा सकता था। वे नल के रूप और तेज से प्रभावित होकर उनसे कुछ भी पूछ न सकी। राजकुमारी दमयंती भी अब तक एकटक नल को ही देख रही थी। वह भी नल के रूप और तेज से सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ क्षण बीतने पर दमयंती ने मंद मधुर मुस्कान के साथ नल से नम्रता पूर्वक पूछा, आप कौन हैं? आप इस अंतःपुर में प्रवेश कैसे कर सके? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? मेरा यह भवन सब ओर से सुरक्षित है, यहां का कोई भी कर्मचारी राज आज्ञा के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता, अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस पर भी आप यहां कैसे आ पहुंचे?
आपका परिचय क्या है? नल ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमारी मैं नल हूं। आपने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। इस समय मैं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, इन चार देवताओं का दूत बनकर यहां आया हूं। मैं उन देवताओं के प्रभाव से इस भवन में पहरेदारों से अनदेखा चला आया हूं। वे देवता चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक को अपना पति चुनें। उनका यह संदेश लेकर मैं आया हूं। आगे आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें वैसा करें। दमयंती ने नल से कहा, उन देवताओं को मेरा नमस्कार निवेदन करें, और जहां तक पति रूप में किसी को चुनने का प्रश्न है, मैं पहले ही आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। मेरे पति तो आप ही हैं। अब आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपकी और मेरा सब कुछ आपका। आप निश्चिंत होकर मुझे स्वीकार करें। जब से उस दिव्य हंस से मैंने आपकी बातें सुनी हैं, मैं तभी से आपकी हो चुकी हूं। हे मेरे मन प्राण के स्वामी, आपको पति रूप में पाने के लिए ही इस स्वयंवर का आयोजन हुआ है। हे प्रिय, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपके ही कारण विष, आग, जल अथवा फांसी के द्वारा अपने प्राण दे डालूंगी। दमयंती की सारी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, तुम देवताओं को छोड़कर मुझ मनुष्य को क्यों पति बनाना चाहती हो? मैं तो देवताओं की पग धूली के बराबर भी नहीं हूं। तुम्हें उन देवताओं में से ही किसी एक को चुनना चाहिए। देवताओं की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर देवता क्रुद्ध हो जाते हैं और वे जो चाहें कर सकते हैं। वे अपने विरोधियों के धन और प्राणों को हर लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करो जिससे मेरे प्राणों पर संकट आए। तुम उन्हीं में से किसी एक को चुन लो। देवता की पत्नी बन जाने पर संसार और स्वर्ग की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं रही। तुम्हें मनचाहे भोग प्राप्त होंगे। भला सारे संसार को भस्म कर डालने की शक्ति रखने वाले अग्नि देव को कौन नारी अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? और जिनके दंड के भय से लोग शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उन यमराज को कौन स्त्री अपना पति बनाना नहीं चाहे? दैत्यों और दानवों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र को पति रूप में पाकर कौन सी नारी अपने आप को सौभाग्यशालिनी नहीं समझेगी? और यदि चाहो तो वरुण देव को तुम अपना पति बना सकती हो। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। मेरी बातों को यूं ही मत टालो। निषदराज नल के यूं समझाने पर आंसुओं की धार बहाती हुई दमयंती बोली, राजन, मैं सब देवताओं को नमस्कार करके उनसे आपके मंगल की याचना करती हुई आपको ही अपना पति स्वीकार करती हूं। मैं सच कहती हूं, यह मेरा अटल निश्चय है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। राजा नल ने उनसे कहा, मैं इस समय देवताओं का दूत बनकर आया हूं और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इसलिए तुम वैसा ही कार्य करो जो मेरे कार्य के अनुकूल हो। मैं देवताओं के कहने से उनके कार्य के लिए यहां आया हूं। इस समय मैं अपने स्वार्थ का कार्य कैसे कर सकता हूं? मेरे धर्म की रक्षा हो तो उसके फलस्वरूप मेरे स्वार्थ की सिद्धि भी हो सकती है। यह सुनकर आंसू बहाती हुई रुधे गले से दमयंती ने कहा, हे राजन, वह उपाय मैंने सोच लिया है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी आप पर कर्तव्य पालन न करने या स्वार्थ सिद्ध करने का दोष नहीं लगाएगा। आप, वे देवता और अन्य भी स्वयंवर मंडप में पधारें। मैं उन देवताओं के सामने ही आपका वरण करूंगी।
ऐसा करने पर आप पर कोई बात नहीं आएगी। राजकुमारी दमयंती के ऐसा कहने पर नल वहां से चला आया और सीधा देवताओं के पास पहुंचा। देवताओं के पूछने पर नल ने सारी बातें सच सच बता दी। उसने बताया, दमयंती मुझे ही अपना पति बनाना चाहती है और उसने कहा है कि देवता भी स्वयंवर में पधारें। मैं उनकी उपस्थिति में नल का वरण करूंगी। अब आप सब देवतागण जैसा ठीक समझें वैसा करें। देवता सारा समाचार सुनकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा नल विदर्भ में स्वयंवर के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वयंवर का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त आने पर सभी राजा और राजकुमार मंडप में पधारे। प्रत्येक यही चाहता था कि दमयंती उसे ही वरमाला पहनाए। मंडप खूब सजा हुआ था। तोरण द्वार बड़ा विशाल था और विशेष रूप से सजाया गया था। बैठने के लिए सुखदायक आसनों की व्यवस्था थी। मंडप राजाओं के मणिमय आभूषणों से चमक रहा था। जैसे आकाश में तारे शोभायमान होते हैं, वैसे ही वे सब भूपाल उस मंडप में शोभायमान थे। जब राजकुमारी दमयंती हाथ में वरमाला लिए उस मंडप में आई तो सभी राजाओं की दृष्टि उस पर जा टिकी। राजाओं को लगा जैसे इसने उनके चित्त को चुरा लिया है। जिस राजा की दृष्टि दमयंती के जिस किसी अंग पर पड़ी वह वहीं टिक गई। उसका प्रत्येक अंग इतना कमनीय और सुंदर था कि उसे देखते जी नहीं अघाता था। फिर दमयंती को चारणों द्वारा प्रत्येक राजा के नाम, यश और पराक्रम का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती पहले से ही नल को वरण करने का निश्चय कर चुकी थी। वह नीची दृष्टि किए आगे बढ़ती रही। जिस राजा के सामने वह आती उसका चेहरा आशा से चमकने लगता और जब सामने से आगे बढ़ जाती तो निराशा से फीका पड़ जाता। कुछ आगे चलने पर जब चारण ने नल का परिचय दिया और दमयंती ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो उसे नल जैसी आकृति के पांच पुरुष बैठे दिखाई दिए। सबकी अनुहार नल जैसी, रंच मात्र भी अंतर नहीं। अब तो दमयंती के सामने समस्या पैदा हो गई कि इनमें वास्तविक नल कौन सा है। उसने बार बार पांचों को देखा पर यह निश्चय नहीं कर सकी कि वास्तविक नल कौन है। फिर उसे याद आया कि जिन चार देवताओं ने राजा नल को दूध बनाकर भेजा था यहां वे चारों भी राजा नल का रूप बनाकर बैठे हुए हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं। राजकुमारी दमयंती वास्तविक नल को न पहचान सकने से बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने निश्चय किया कि वास्तविक नल की पहचान के लिए मैं देवताओं की ही शरण लूंगी। यह निश्चय करके उसने देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपती हुई बोली, मैंने दिव्य हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना पति मान लिया है। यदि मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही हूं तो देवगण नल को पहचानने में मेरी सहायता करें। मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूं कि यदि मैंने मन, वचन और कर्म द्वारा कभी भी सदाचार को न छोड़ा हो तो देवगण मुझे नल की पहचान करा दें। यदि विधाता ने निषदराज नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवगण मुझे वास्तविक नल की पहचान करवा दें। शक्तिशाली देवगण अपने अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएं, जिससे मैं वास्तविक नल का पति रूप में वरण कर सकूं। चिंताग्रस्त दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर और नल के प्रति उसके सच्चे प्रेम को देखकर देवताओं ने दमयंती को वह शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा वह मनुष्य और देवता में अंतर कर सके। अब दमयंती ने देखा कि देवताओं में पसीने की बूंदे नहीं है, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती और उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं
वे मुरझाई तो है ही नहीं, उल्टे और भी खिल रही हैं। वे सिंहासन पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से धरती को नहीं छू रहे हैं और उनकी परछाई भी नहीं पड़ रही है। ये सारे लक्षण चार पुरुषों में तो थे पर पांचवें में नहीं थे। बस फिर क्या था, अब निषदराज नल को पहचानने में दमयंती को कोई कठिनाई नहीं हुई। नल की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही लज्जा और संकोच के कारण दमयंती की पलकें झुक गई। उसने नल के वस्त्र का छोर पकड़कर वरमाला उसके गले में डाल दी। यह देखकर कि दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी, वहां आए राजा हताश होकर लंबी सांसें खींचने लगे और उनके मुंह से हाय शब्द निकल पड़ा। मंडप में उपस्थित ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने वर वधु को मंगल आशीर्वाद दिया। सभी लोग राजा नल के भाग्य की सराहना करने लगे। नल ने दमयंती से कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं को छोड़कर मुझ मानव का वरण किया। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में कैसा प्रेम है। अपने इस असाधारण प्रेम से तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारा मेरे हृदय और मन पर अधिकार रहेगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदा तुम्हारा रहूंगा। दमयंती ने भी हाथ जोड़कर लजाती दृष्टि से एक बार फिर नल को देखा और मन ही मन उसका अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों ने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की ओर देखकर उन्हें नमस्कार किया और मन में उनके शरणागत हुए। दमयंती के अनन्य प्रेम से प्रभावित होकर देवताओं ने नल को 8 वरदान दिए। देवराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें शुभ गति प्रदान करूंगा। महातेजस्वी अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी होने और राजा नल जब और जहां चाहें वहीं अपने प्रकट होने का वरदान दिया। यमराज ने वरदान दिया कि राजा नल के बनाए भोजन में उत्तम उत्तम स्वाद और रस होगा। धर्म में इनकी दृढ़ आस्था बनी रहेगी। जल के देवता वरुण ने वरदान दिया कि राजा नल जब चाहेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और राजा नल जिस भी पुष्प माला को पहनेंगे उनमें से दिव्य गंध आएगी। इस प्रकार वरदान देकर देवता स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में पधारे हुए दूसरे राजा लोग भी अपने अपने देशों को लौट गए। सब राजाओं के लौट जाने के बाद राजा भीम ने शास्त्र विधि के अनुसार नल दमयंती का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद भी राजा नल कुछ दिन विदर्भ में ही रहे और बाद में अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर दमयंती सहित अपने निषद देश में आ गए। राजा नल दमयंती के साथ आनंद पूर्वक निषद देश में रहकर प्रजापालन करने लगे। राजा नल ने अश्वमेध आदि कई यज्ञ किए और ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दक्षिणा दी। समय पाकर दमयंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेनी रखा। राजा नल का राज्य धन धान्य से पूर्ण था, प्रजा सुखी थी और राज कर्मचारी सावधान होकर अपने कर्तव्य का पालन करते थे।